सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं अपने चैनल के लिए, एंड दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट हाउ टू क्लीन आर सिल्वर ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स में या चेन या ब्रेसलेट जो भी आप लोग वेयर करते हैं, तो ग्रेजुअली क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत गंदा लुक देती है। तो होम रेमेडी के थ्रू घर पे बैठ के हम कैसे उसको क्लीन कर सकते हैं, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सो स्टे ट्यून, वीडियो में बने रहें। हाँ, एंड तक जरूर देखेंगे। एंड तक देखेंगे तो आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कि हम होम रेमेडी के थ्रू कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं, रेदर देन हम ज्वेलरी शॉप पे भागें। सो स्टे ट्यून गाइस, हियर वी गो। सो ये जो कुछ लुक है मेरे ब्रेसलेट की, ये है पहले। अभी इसको हमने क्लीन करना है, तो आफ्टर लुक भी इसकी मैं दिखाऊंगा। इसके लिए हमारे को चाहिए एक सिल्वर पेपर, सिल्वर फॉइल पेपर बेसिकली, एंड साथ में हमारे को चाहिए रहेगा, दिस इज़ कॉल्ड बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा और सिल्वर फॉइल पेपर, एंड आफ्टर दैट हमारे को चाहिए रहेगा बस बॉयल पानी। तो इसके लिए पानी को अच्छे से बॉयल कर लेंगे पहले, और पानी हमारा फुल ऑन अच्छे बॉयल कंडीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हमने यहाँ पर एक सफिशेंट अमाउंट में फॉइल पेपर ले लिया। अब फॉइल पेपर के दो साइड होते हैं, ये थोड़ा सा डम्प और ये शाइनी। तो शाइनी वाले साइड को हम अपने बाउल में अच्छे से पिकअप कर लेंगे, इस तरीके से कुछ देख रहे हैं आप लोग, अच्छे से फिट कर लेंगे, शाइनी वाली साइड से करेंगे। तो ये हमारा फिट हो गया है अच्छे से। अब हमारा जो वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। तो वाटर जैसे बॉयल होता है, अब हम ऐड करेंगे अपना बेकिंग सोडा सॉल्यूशन में। अब हम बेकिंग सोडा ऐड करने जा रहे हैं। आपको अपने ऑर्नामेंट के हिसाब से, जितने ऑर्नामेंट कर रहे हो उस हिसाब से आपको बेकिंग सोडा ऐड करना है। मैंने इसमें एक टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है अभी के लिए। सो अभी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हमारा हॉट बॉइलिंग वाटर, और हॉट बॉइलिंग वाटर मैं इसमें ऐड करूँगा। ये देखिए कुछ रिएक्शन होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें यहाँ पर ऐड करूँगा अपना ऑर्नामेंट। पानी हमने सफिशेंटली डाल लेना है इसमें, एंड वंस पानी हमारा सफिशेंटली ऐड ऑन हो जाएगा, उसके बाद आई विल प्रेफर कि यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर बेकिंग सोडा डालना मैं पसंद करता हूँ। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर इसको स्टेयर करेंगे, थोड़ा सा इसको हिलाएंगे। साफ होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा ब्रेसलेट। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। अपने कमेंट्स जरूर बताइए कैसे लगी आपको वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।